आज की क्लास में हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। इसको हम ई से शो करते हैं, कैपिटल ई से। होता क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड विभव में, ये बताया जाता है जब किसी मेटल की रॉड को, धातु की छड़ को, ये एक मेटल रॉड है, उसको उसी के एसिडिक सॉल्यूशन में जब रख देते हैं, अम्लीय विलयन में रख देते हैं, तो मेटल की रॉड जो होती है वो सॉल्यूशन के अपोजिटली चार्ज हो जाती है। तो मेटल के रॉड और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के अम्लीय विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, व्हेन मेटल रॉड या मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इट्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, देन द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन मेटल रॉड एंड द सॉल्यूशन, दैट पोटेंशियल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन मेटल रॉड या मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन, द पोटेंशियल डेवलप्ड या जनरेट बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी धातु की छड़ को उसी के अम्लीय विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसी तरह हमारा होता है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसको हम जो डिनोट करते हैं, शो करते हैं, ई नॉट से शो करते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन देखो हमने इसमें क्या किया, एक मेटल रॉड को उठा करके सॉल्यूशन में रख दिया है। किस टेम्परेचर पर नहीं पता, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है नहीं पता। इसमें यही दो चीज़ें हमको पता होती हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मेटल की रॉड को एक मोलर कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रखते हैं तब जो पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सेम डेफिनेशन रहेगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता के विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, एट 25 सेम डेफिनेशन रहेगी, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर कंसंट्रेट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर कंसंट्रेट द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल रॉड एंड द सॉल्यूशन कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा खुद, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ वन मोलर कंसंट्रेट सो द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन मेटल रॉड, मेटल इलेक्ट्रोड या मेटल रॉड एंड द सॉल्यूशन कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ई नॉट से हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक,
आगे हम इसमें एक रिलेशन भी देखेंगे जिसे हम नरस्ट इक्वेशन कहेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अभी हम आज पढ़ेंगे ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये होती क्या है, जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ECS फुल फॉर्म हो जाएगा इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जिस श्रेणी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी कि धातुओं, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जिस श्रेणी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। व्हेन एलिमेंट मेटल्स की बात करते हैं यहाँ पर, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो सीरीज आर फॉर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक चार्ट बनेगा। व्हेन एलिमेंट्स और मेटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो सीरीज आर फॉर्म्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसमें हम जरा उस सीरीज को लिखते हैं और इस पर क्वेश्चन बताते हैं कैसे हो गए। तो अब जो हम सीरीज लिखने जा रहे हैं उस पर एक बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, इसका हमारा बेस क्या है, जो हम सीरीज बनाने जा रहे हैं उसका बेस क्या है। देखो, हमको सीरीज याद करना है और सीरीज पे हमको न्यूमेरिकल समझना है। इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ हम लिखेंगे वो हमको याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सीरीज लिखते हैं कि सीरीज हमारी होती क्या क्या है। तो सीरीज जो है हमारी